गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू एजु इन्फो। आज आम गोटे इम्पोर्टेंट नोटिस आसी जाइए रिगार्डिंग सीटीईटी, दैट इज योर सेंट्रल टीचर एलिजिबल टेस्ट जनवरी 2024। तो आज आम इनफर्मेशन बुलेटिन टोटल डिस्कशन करवा। तो आम ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑलरेडी स्टार्ट हो जाए 3 नवंबर रु, और आम अप टू हम लास्ट डेट अच्छे 23 नवंबर, आउ लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 23 नवंबर 11:59 PM भितर आमको कंप्लीट करा पड़ो। आउ तार डेट ऑफ एग्जामिनेशन होबाक जाउछि 21 जनवरी 2024। तो बर्तमान आम डिटेल डिस्कशन करदे आमर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पड़ो। तो मुझे वेबसाइट जावाक पड़ो CTET.NIC.IN, तो तुमको रजिस्ट्रेशन करा पड़ो। तापर जदि आम देखिबा पेमेंट कथा, तो एग्जामिनेशन फी आम रोचे फॉर द जनरल एंड ओबीसी कैटेगरी स्टूडेंट, जदि ओनली पेपर वन पकेबे और पेपर टू पकेबे ओनली ताले 1000, जदि बोथ पेपर पे एलिजिबल थिबे ताले तांको पे फी रोचे 1200। आउ आम जहले जमती कि एससी स्टूडेंट, एसटी स्टूडेंट, आउ पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट, जदि से गोटे पेपर अप्लाई करेंगे तांको पे पड़े 500 रुपी, आ जदि बोथ पेपर करेंगे ताले आमर पड़े 600 रुपी। तुम जाणीच आम सीटीईटी दुईटा पेपर हम, गोटे तुम पेपर वन आ गए हूँ पेपर टू। जमीक पेपर वन कथा कहे क्लास 1-5, आ पेपर टू कथा कहे आम 6-8। तो जार जो कनसर्न एजुकेशन क्वालिफिकेशन अनुसार तुमको अप्लाई कराया पड़ो। तो जो मैंने ओनली DLED करेंगे तक मैं पेपर 1-5 क्लास जोटा रोचे पेपर वन अप्लाई करेंगे, आज जो बीएड कम्प्लीट करेंगे प्लस 3 सहित से मैंने पेपर टू करेंगे। पेपर वन भी अप्लाई करेंगे, बट रिसेंट एवं सुप्रीमकोर्ट जो मना करता बीएड स्टूडेंट मैंने बर्तमान कौन है प्राइमरी स्टूडेंट प्राइमरी टीचर पर एलिजिबल नुह, तो पेपर वन एवं दरकार नहीं, कि चाहिए भी सर्टिफिकेट रखिपारे। तो जो प्लस 3 और बीएड अच्छे से दुईटा पेपर अप्लाई कर, मे भी फ्यूचर भी मे भी किसी रूल रेगुलेशन चेंज हो जाए। तापर आम रहा देखिया बर्तमान डिटेल्स, तो आम जाचे आमर एटा गवर्नमेंट होची गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री, एटा कंडक्ट करुची मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन न्यू दिल्ली। आ बोर्ड रोचे आमर CBSE बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो टाइमिंग जदि आम देखा आमर एग्जामिनेशन डेट हूँ 21 जनवरी, पेपर वन आम कंडक्ट हम 2-4:30, आ पेपर टू कंडक्ट हम आम 9:30-12 noon। यहाँ हूँ आम पेपर टू र टाइमिंग, आईटा हूँ आम पेपर वन टाइमिंग रहा आम 2-4:30, 2 hour 30 minute रा ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम। आम को ऑनलाइन ही सबमिशन करा पड़ो एप्लीकेशन। तापर आम बर्तमान जी डिटेल डिस्कशन करवा एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी रहा जमी आम कहले आमर टीचर ट्रेनिंग कोर्स कौन अच्छी ना दुईटा अच्छी, गोटे हूँ जेनराली DLED, आउटे डिप्लोमा कोर्स, आउट हूँ बैचलर डिग्री, दैट इज योर BEd। तो DLED पिला एलिजिबल पेपर वन पे, आ BEd पिला एक्चुअली दुईटा को पेपर पे एलिजिबल पेपर वन एंड पेपर टू बोथ, बट प्राइमरी टीचर पे वर्तमान BEd पिला को एलिजिबल करा हेलानी रिसेंट एबे जो सुप्रीम कोर्ट मना कला। तो से तुम पेपर टू भी चाहिए एलिजिबल कर, कि 200 रुपी तुमको अधिक पड़ो, तो बेटर तुम मैंने करना दुईटा पेपर अप्लाई कर दियो। तापर रहा तुम आम देखिए बर्तमान क्वेश्चन पैटर्न कौन रेपर वन आम फाइव डिस्कसन करवा, से आम CDP पेपर जोड़ा कंपलसरी पेपर रहा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलोजी पेपर 30 क्वेश्चन आसो 30 मार्क, लैंग्वेज वन आसीबो सेटा भी कंपलसरी 30 क्वेश्चन 30 मार्क, लैंग्वेज टू कंपलसरी 30 क्वेश्चन 30 मार्क, तापर गोटे आसो मैथमेटिक्स, आ गए हूँ एनवायरमेंट स्टडी, एमती 150 क्वेश्चन आसो, तो 150 मार्क। आज जो जनरल स्टूडेंट तक रखा पड़ो आमर मार्क रहा जनरल स्टूडेंट 60% हूँ पासिंग मार्क, मैंने 150 हूँ 90 मार्क। आज जो कैटेगोरी जमी आम कह SC ST OBC तक 83 रखिले से क्वालिफाए हे तक क्वालिफाइंग मार्क। तो तापर आम देखा लांगुएज कथा जो रहा दुटा लांगुएज तुम बाछीपार ओडिया इंग्लीश, तो फास्ट लांगुएज मे भी तुम बाछीपार ओडिया, सेकेंड लांगुएज इंग्लीश, कि फास्ट लांगुएज इंग्लीश सेकेंड लांगुएज ओडिया, तुम कनभीनियंट अनुसार तुम यहाँ सिलेक्शन कर। पेपर टू कथा आम देखा पेपर टू रहा आम CDP रर्टी मार्क, लांगुएज वन लांगुएज टू भी रहा कंपलसरी 30 मार्क 30 मार्क। जो मैंने साइंस स्टूडेंट से सिलेक्ट करा पड़ो मैथमेटिक्स एंड साइंस,
आ जो आर्ट्स स्टूडेंट से सिलेक्ट करा पड़े सोशल स्टडी और सोशल साइंस जोटा कि 60 क्वेश्चन आसो मैथ साइंस रु 60 क्वेश्चन सोशल साइंस रु भी 60 क्वेश्चन एम तुम 150 क्वेश्चन से सेम हो 60% हूँ कौन तुम जनरल स्टूडेंट पासिंग मार्क आम 83 मार्क जो कहे रिजर्व कैटेगोरी हूँ पासिंग मार्क। तो लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन पेपर बोथ लैंग्वेज आसो आटा ऑफलाइन एग्जाम होगा जाऊँगी बोथ हिंदी आसो एज वेल एज इंग्लीश क्वेश्चन पेपर आसो। तो जो कहते हैं जो रहा पासिंग मार्क रहा जो 60% जनरल पाई आउ जे जर स्कूल मैनेजमेंट तर जो रिजर्वेशन कैटेगोरी अनुसार से सब डिसाइड करेंगे। आउ इम्पोर्टेंट कथा है वैलिडिटी ये सीटीईटी सर्टिफिकेट तुम वन्स जदि तुम क्वालिफाई हो जाऊ ना तुम एटा लाइफ टाइम वैलिडिटी आगुर थिला 7 ईयर बर्तमान एटा वैलिडिटी हो गलानी लाइफ टाइम वैलिडिटी। तो एटा गोटे बहुत बड़ अपॉर्चुनिटी तो से समस्त क्वालिफाई होगापी फास्ट अटेम्प्ट ट्राए कर। तापर एग्जामिनेशन सेंटर रहा डिफरेंट तुम मानक एग्जामिनेशन सेंटर अच्छी एडमिट कार्ड तुमको मिलेगा ई एडमिट कार्ड पोस्टल पठा जीवनी एटा रहा सिलेबस तुम्हें मो व्हाट्सएप ग्रुप कि टेलीग्राम ग्रुप रे भी जॉइन हो पार एजु इनफो सर्च करके मुझे लिंक भी शेयर करदेवि तुम मान कमेंट बॉक्स रे से ग्रुप रे लिंक रे तुम जॉइन हो पार। तो यहाँ रहा सिलेबस तो कार किसी डाउट थाए कमेंट भी लिखिपार सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर इट टू ऑल। तापर आम गोटे देखिया बर्तमान बहुत सारा पिलांकर क्वेश्चन मत पचार पर्सनाली सर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट तो सेंटर कथा आम डिस्कशन करदे ओडिशा जदि आम देखा ओडिशा तुम रोज सेंटर भुवनेश्वर और संबलपुर यहाँ रोज दुईटा सेंटर भुवनेश्वर और संबलपुर रोज ओडिशा सेंटर। तो से अनुसार तुम मैंने भुवनेश्वर और संबलपुर सिलेक्ट कर। बर्तमान रहा सेंटर गला आम जानले बर्तमान क्वेश्चन गोटे बहुत बड़ क्वेश्चन सर आम बर्तमान फर्स्ट ईयर पढ़ुचु फर्स्ट ईयर स्टूडेंट मैंने आम मैंने एलिजिबल हबू कि ना सीटीईटी पेपर देवाई। तो मुँह कह तुमने ओब्वियसली एलिजिबल तार भी नोटिफिकेशन मुझे देखे दूसरी देख बर्तमान यहाँ हूँ एनसीटी नोटिस एनसीटी रेगुलेशन सेक्शन हेडक्वार्टर लेटर नंबर 11285 डेटेड 4 अगस्त 2022। तो देख ये चिठीटा तुम पढ़ीपर क्लारिफिकेशन अलरेडी एनसीटी देदेगी क्लारिफिकेशन रिगार्डिंग द एलिजिबिलिटी फॉर अपीयरिंग इन सीटीईटी सुप्रीम कोर्ट से केस होता। तो से केस अनुसार बर्तमान एनसीटी डिसाइड कर देख पॉइंटा पढ़ इन व्यू ऑफ द एबव इट इज क्लारिफाइड दैट ए फेयर रीडिंग ऑफ क्लॉज 5 विदिन ब्रैकेट 2 ऑफ द एनसीटी गाइडलाइन ए पर्सन हु हैज बीन एडमिटेड इन टीचर ट्रेनिंग कोर्स टीटीसी मीन टीचर ट्रेनिंग कोर्स हु एडमिटेड इन टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स एंड इज परस्यूजिंग ही आर सी आर एलिजिबल फॉर अपीयरिंग इन द टीटी एग्जामिनेशन इफ अदरवाइज एलिजिबल एज पर द एग्जाम गाइडलाइन ऑफ टीटी सर्कुलेटेड दैट इज 11/2021 एज अमेंडमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड नोटिफिकेशन लेड डाउन बाय द एनसीटी। तो तुम यदि ऑलरेडी अभी तुम ऑलरेडी एडमिशन कर दे जो किसी टीचर ट्रेनिंग कोर्स रे आईएससी रे हो कि तुम सीटी रे हो कि तुम आम रहा जो कौन ना डीएलईडी कोर्स जो डाइट जो अच्छी डाइट हो जो डीएलईडी कोर्स प्रोवाइड करा तुम ऑलरेडी यदि डीएलईडी कोर्स हो कि बीएड कोर्स हो ऑलरेडी तुम एडमिशन कर दे जो फर्स्ट ईयर तुमने एलिजिबल आमको 60% क्वालिफाइंग मार्क रखा पड़ो हेल्ले तुम मूँ सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा सर्टिफिकेट तुमको ऑनलाइन भी प्रोवाइड करा किंतु एग्जाम हम ऑफलाइन तुम सर्टिफिकेट आसो ऑनलाइन। सो यहाँ थी आज रिगार्डिंग द सीटीईटी एग्जामिनेशन सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर इट टू ऑल। थैंक यू।